तो फाइनली दोस्तों ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो है और ये एक्सिस बैंक की तरफ से जारी किया जाता है। तो मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और ये फाइनली मुझे कल ब्लू डार्ट की तरफ से ये डिलीवर्ड हो चुका है। और ये इसको मैंने लगभग ये 10 दिन टाइम लगा मुझे, 10 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो गया मैंने अप्लाई से लेकर के डिलीवर तक। तो मैंने कैसे अप्लाई किया इसको और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको ये जल्दी से जल्दी मिलेगा, सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और साथ में मुझे एक और जो है ये इंडिया पोस्ट की तरफ से आया फ्रेंड्स, और ये मेरे मोबाइल में मैसेज आया था तो मुझे पता नहीं था कि ये अलग से यूज़र आईडी और पासवर्ड से अलग से आता है और ये इंडिया पोस्ट की तरफ से आता है और दोनों एक ही डेट में मुझे ये डिलीवर्ड हुआ। देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का, इसमें ATM है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का कार्ड की तरफ है और इसमें फ्रेंड्स यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो चलिए मैं दोनों को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसमें क्या क्या फ़ायदे क्या क्या बेनिफिट है सारा कुछ मैं बताऊंगा। और देखिए इसके पीछे में कुछ लिखा हुआ है रीज़न फॉर नॉन डिलीवरी, अगर आपका कार्ड अगर डिलीवरी नहीं होता है इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर ये सब सारी प्रॉब्लम है तो आपका कार्ड जो है डिलीवर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका जो एड्रेस है अगर नॉट ट्रैकेबल है, एड्रेस अगर ट्रैक नहीं होता है तो आपका जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो आपको डिलीवर नहीं हो पाएगा। अगर आपका घर बंद है, कोई भी आपके घर में नहीं है, तब भी आपको ये कार्ड डिलीवर नहीं होगा। नो सच पर्सन, और यहाँ पर शॉर्ट एड्रेस, यदि आपने शॉर्ट एड्रेस डाला है और वो एड्रेस पूरा मैच नहीं हो रहा है तो फिर इसके वजह से भी आपका कार्ड जो है डिलीवरी नहीं हो पाएगा। और साथ में यहाँ पे कस्टमर शिफ्टेड आउट फॉर डिलीवरी एरिया और यहाँ पे लिखा है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से आपका कार्ड डिलीवरी नहीं हो पाएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो। इसीलिए फ्रेंड जब आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने एड्रेस को प्रॉपर और सही तरीके से भरें, पूरे डिटेल में भरें। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसे पहले ही अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ इसे अनबॉक्स करके। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ और अनबॉक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं दूसरा भी क्रेडिट कार्ड आपको, और इसमें तो कुछ है नहीं ये खाली है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसे साइड कर देता हूँ। और इसमें जो फ्रेंड्स एक इसमें जो कार्ड की लिमिट है ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। ये पूरा QR कोड समेत सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी कार्ड नंबर दिया हुआ है जो कि मैंने इसको हाइड कर दिया है पेन से, ये मैंने अपने प्राइवेसी के लिए किया है। और यहाँ पे कार्ड नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप देख सकते हैं, मुझे जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला है फ्रेंड्स 1,38,000 मिला है जो कि बहुत ज़्यादा है, जितना मैं यूज नहीं कर सकता हूँ उससे ज़्यादा मुझे ये क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिया गया। तो मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मुझे इतना ज़्यादा लिमिट मिला है, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा मुझे लिमिट मिलेगा, 20-25,000-30,000 तक ही लिमिट मिलने का उम्मीद रहता है। साथ ही फ्रेंड्स मुझे ये इंटरनेशनल लिमिट भी दिया गया 1,38,000 और मैं इसे इंटरनेशनल का ट्रांजैक्शन के लिए भी इसका यूज कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ बाय करना हो तो मैं उसके यूज के लिए भी यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ में देख सकते हैं जो कैश विदड्रॉ है इसकी लिमिट 41,400 है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से मैं 41,400 रुपये तक कैश विदड्रॉ भी कर सकता हूँ। साथ में देख सकते हैं जो ज्वाइनिंग फ़ी है मुझे 500 रुपये इसका ज्वाइनिंग फीस लगा हुआ है और एनुअल फीस इस कार्ड का जो एनुअल फीस है वो 500 रुपया है। साथ में फ्रेंड्स 18% का GST भी लगता है, यानी कि 18,95 इस कार्ड को रखने के लिए आपको 590 रुपये हर साल आपको चुकाना पड़ेगा। तो देख लिया फ्रेंड्स, और साथ में आपको यहाँ पर प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड रहता है जो कि मैंने हाइड कर रखा है और यहाँ पे नीचे ये नॉट अवेलेबल है तो और ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए मैं इसको अब आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इस कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे एक्टिवेशन करना है, ये सारा कुछ इस कार्ड में डिटेल में दिया गया है। तो देखिए ये है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो कि फाइनल और फर्स्ट लुक में आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड है जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। और कार्ड क्वालिटी जैसे आपको नॉर्मल ATM रहता है वैसा ही है, ये क्वालिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है लेकिन देखने में जो कलर है लुक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जो कार्ड नंबर होता है फ्रेंड्स इसको मैंने हाइड कर रखा है सेलर टेप से, देख सकते हैं कन्हैया कुमार, ये मेरा खुद का कार्ड है और पीछे कुछ इस तरह का कुछ रहता तो है नहीं ज़्यादा कुछ, यहाँ पर CVV रहता है जो कि मैंने हाइड कर दिया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए मैं इसको आपको पूरे शुरू से दिखा देता हूँ पढ़ के। तो देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने पढ़ के आपको दिखा दिया पूरा, और यहाँ पे देखिए अब मैं इसे ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अगर आप फ्लिपकार्ट से इसे या फिर मंत्रा ऐप से अगर कुछ भी आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे नो अपर लिमिट लिखा हुआ है, यानी कि आप जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे 5% का कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले। और साथ में फ्रेंड्स देख सकते हैं 4% का यहाँ पे जो है ऑन आवर प्रीफर्ड पार्टनर्स, अगर आप इसके पार्टनर से आप कुछ भी यहाँ पे बाय करते हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको 4% का इसमें भी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, जैसे क्लियर ट्रिप, श्योरफिट, PVR, स्विगी, टाटा प्ले और अवर। अगर इस वेबसाइट से अगर आप कुछ भी ऑनलाइन बाय करते हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे जो 1.5% का डिस्काउंट है ऑन ऑल अदर स्पेंड्स, अगर आप कहीं भी इस कार्ड को आप यूज करते हैं तो उसमें आपको 1.5% का आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। और साथ में जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा में फ्यूल, अगर आप पेट्रोल टंकी से फ्यूल बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का आपको चार्ज देखने 1% का आपको इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें फ्रेंड्स देख सकते हैं 4 कॉम्प्लीमेंट्री लंग विजिट है, तो आप यहां पे अगर आप कहीं पे भी विजिट करें तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। और साथ में भी यहां देख सकते हैं आप टू 20% ऑफ एट 4000+ रेस्टोरेंट्स। तो देख सकते हैं इसके अंडर जितने भी 4000 रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप उसमें विजिट करते हैं तो आपको 20% तक का ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। और साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा सेविंग का ऑप्शन दिया गया ऑन EMI। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI पे लेते हैं तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा बचत देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स क्लियरली मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, और इसका बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बैक साइड में लिखा हुआ है क्लियर स्टार्ट भी जो है सबसे शुरू में अगर आप शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट, इसमें आपको 500 रुपये का वाउचर देखने के लिए मिलेगा। फ्लिपकार्ट वाउचर ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी बाय करेंगे तो आपको 500 रुपये का आपको इसमें वाउचर मिलने वाला है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 15% का कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन मंत्रा, यदि आप मंत्रा ऐप से कुछ भी ऑनलाइन बाय करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 15% का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डाइनिंग लिखा हुआ है अप टू 50% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट स्विगी ऑर्डर, अगर आप स्विगी पे फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वे टू सेट योर पिन एंड गेट स्टार्टेड, तो इसमें ये दिया गया है फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने कार्ड को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कार्ड को लॉगिन करने के लिए पिन जनरेट करने के लिए तरीका बताया गया। आप यहाँ पे एक्सिस मोबाइल ऐप को पहले डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे लॉगिन सर्विस सपोर्ट और क्रेडिट कार्ड सेट या रीसेट पिन कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक्सिस बैंक ATM से कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे फ़ोन बैंकिंग के थ्रू भी अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब नीचे में यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे इनेबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स ऑन योर कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, ये ऑप्शन मिलेगा, एक्टिवेट कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन इसमें मिलेगा। इस कार्ड की जो जो फैसिलिटी है ये यहाँ पर दिया गया है, इनेबल इंटरनेशनल यूसेज, कस्टमाइज कार्ड लिमिट्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना हिसाब से रख सकते हैं, और यहाँ पे ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं कार्ड को। और साथ में यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एन अपग्रेड और रिप्लेसमेंट कार्ड, अगर आपको इस कार्ड को रिप्लेसमेंट करने का ज़रूरत पड़ा है, अगर आप इस कार्ड में अगर कोई टूट फूट या कोई कमी होता है तो आप रिक्वेस्ट डाल के इस कार्ड को अपग्रेड या फिर दूसरा कार्ड ले सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स और कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया एक्सिस बैंक की तरफ से, axisbank.com या फिर सपोर्ट लिखा हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी मैंने दे दिया, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, इसमें और कुछ है नहीं। तो और साथ में फ्रेंड्स ये दूसरा पेज और भी है, इसमें भी वही कुछ टिप्स दिया गया कि कैसे आपको पिन जनरेट करना है, प्लीज़ यूज द 6-डिजिट एक्टिवेशन कोड एज शो इन द बिलो स्टेप। कुछ स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने कार्ड को आराम से एक्टिवेशन कर सकते हैं, इसमें और ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। तो फाइनली मैंने ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है मैंने 29 नवंबर को अप्लाई किया हुआ था, और इसको आपको अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से कभी भी अप्लाई नहीं करना है, आपका जो नियरेस्ट एक्सिस बैंक ब्रांच है आपको एक्सिस बैंक में जाना है, और वहाँ पर जा कर के एक्सिस बैंक के थ्रू आपको वहाँ पर जो भी स्टाफ रहता है वहाँ का
आप उसके उनसे बात करके आप ये अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे जा करके, या फिर आप एक्सिस बैंक का जो मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग है या फिर मोबाइल बैंकिंग है आप वहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका ये जल्दी से जल्दी बन करके आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले फ्लिपकार्ट ऐप से इसे अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से ये डिक्लिन हो गया, वहाँ से ये कैंसिल हो गया और नहीं हो पाया। और दोबारा मैंने बैंक से भी किया था एक बार, तो उस समय भी ये मेरा एड्रेस मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया था। और मैंने तीसरी बार फिर से मैंने अप्लाई किया तो ये फाइनली बन करके आ गया। तो कुछ ये है और इसका पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। और जो इसकी लिमिट है 1,38,000 की मिली है, तो ये बहुत ज़्यादा लिमिट है, ये कम नहीं है। इससे मैं जो भी बाय करना चाहूँगा बाय कर सकता हूँ और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।